कुंभ राशि, एक एक कदम संभल कर रखना, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको 19 और 20 मई की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब बात करते हैं आपका कुंभ राशि भविष्य कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, आप जिस किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों तरीके सीधे और टेढ़े कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको अपने लगभग हर काम में लाभ मिल सकता है। परिवार में कोई खुशी की स्थिति बन सकती है। आपका मन थोड़ा स्वार्थी हो सकता है, दूसरों के प्रति आपकी संवेदनशीलता कुछ कम रहेगी। आप अपने लिए भी कुछ अधिक कठोर भी बन सकते हैं। कई तरह के पूर्वाभास आपको हो सकते हैं। खरीदारी करते वक्त आपको परिवार की मदद करनी पड़ सकती है। अपने कामकाज की बारीकियों पर आप बहुत गहराई से ध्यान देंगे। कई लोग आपसे सलाह मांगने के लिए आगे आ सकते हैं। आप अपने कामों को बहुत अधिक सफलता से निभाएंगे। किसी से आपको चुनौती मिल सकती है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं जिससे आपका मूड खराब हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके लिए फायदेमंद बातें कैसे रहेगी उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपकी प्राथमिकता अपने कामों को जल्द खत्म करने की होगी, इससे आप अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे। अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दें। जिस गति से धन आपके पास आएगा उसी गति से आप उसे खर्च भी कर सकते हैं। आपको दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करने से बचना होगा, इसमें आपकी ही भलाई है। किसी भी संवेदनशील मामले पर लोगों को सलाह बिल्कुल भी ना दें। यदि पिछले कुछ समय में आपने निवेश और खरीदारी को लेकर कुछ योजनाएं बनाई हैं, तो उसके लिए आपको धन की आवश्यकता महसूस हो सकती है। दोस्तों धन से संबंधित जरूरतों और उनकी क्षमताओं का आपको आकलन करना होगा, लेकिन इनकी कमी होने पर आप निराश हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। आप सिर्फ अपना ध्यान अपने कामों की ओर लगाएगा। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में राजनीति कोई नया मोड़ ले सकती है। आप अपने पैसों से संबंधित स्थिति पर विचार कर सकते हैं या उसमें जो भी सुधार करना है उसके लिए सोच सकते हैं। आपको अपने खर्चों में कटौती करने के लिए सोचना चाहिए और कहीं लंबे समय के निवेश की योजना भी बना सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अतिरिक्त धन कमाने के लिए अतिरिक्त समय का काम आपको मिल सकता है, उस पर गंभीरता से विचार करेगा। खेलकूद या शारीरिक मेहनत में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हर एक कदम आपको क्यों संभल कर रखना है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अब जमाना तो कैसा है आप सभी को मालूम ही होगा। आज कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति के काम तभी आता है जब उसके अंदर आपको लेकर कोई स्वार्थ हो, यानी कि आपके काम तभी आता है कि उसका काम आपकी वजह से कुछ निकल जाए। तो हर वक्त आपको कदम संभल कर रखना होगा। अगर कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो या फिर कहीं पे आपके गलत कदम बैठ रहे हैं, तो वहां पर आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। खुद को आपको कदम संभल कर रखना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अतिरिक्त आजीविका के लिए कुछ अलग करने की जरूरत है। अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बाद आप जीवन की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता दें। आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। आपके प्रतिद्वंद्वी भी आपकी मदद करेंगे। जीवन के इस चरण में लोग आपकी सफलता में योगदान देंगे, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए यह समय उचित है। लोगों को वो दें जो उन्हें चाहिए। दो मीठे बोल भी लोगों को खुश कर देते हैं। दोस्तों करियर राशिफल की बात करें तो आप काम और मस्ती दोनों ही कर लेंगे। अपनी विभिन्न रुचियों को जानें और सोचें कि आप उन्हें काम के साथ कैसे मिला सकते हैं। अब आप अपनी रुचियों को अपने काम के साथ मिलाकर भी देख सकते हैं। अपनी व्यावसायिक व व्यक्तिगत रुचियों को अगर आप काम के साथ मिलाकर पूरा करें तो आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों लव राशिफल की बात करें तो अपनी बेजान जिंदगी में चाहत का रंग भरने के लिए
अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपनी सूरत पर भी ध्यान दें। रोमांस में आई समस्याओं को आप आपसी तालमेल से दूर कर सकते हैं। काम में बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे, आपके विरोधी भी आपको सराहेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे में अपने जीवन साथी को ना भूलें, क्योंकि वो आपको जीवन के हर रास्ते पर प्रोत्साहित करते रहेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप में काम करने की क्षमता कम रहेगी। आप खुद को किसी कार्य में व्यस्त रखें और हिम्मत बांधें। तो चलिए आप बात करते हैं कि चाणक्य नीति क्या कहती है। हर इंसान के जीवन में होते हैं ऐसे चार मित्र, अंतिम समय तक नहीं छोड़ते आपका साथ। जानते हैं उन चार मित्रों के बारे में। पहला जो मित्र है दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर से बाहर रहता है उसके लिए ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। इसका अर्थ है कि जब हम अपने परिवार के बीच रहते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी या उलझन पड़ने पर हमें उनका साथ मिलता है, लेकिन जब हम घर से बाहर होते हैं तो हमें किसी भी स्थिति को पार करने के लिए खुद के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यह ज्ञान पहला मित्र है। दूसरा मित्र, चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की पत्नी ही उसकी दूसरी सबसे अच्छी मित्र होती है। जिस व्यक्ति की पत्नी अच्छी हो उसे समाज में मान सम्मान मिलता है, उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है। वही अगर पत्नी खराब मिल जाए तो जीवन नरक के समान बन जाता है। पत्नी के गलत आचरण के कारण पति को हर जगह अपमान भी सहना पड़ता है। तीसरा मित्र, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जीवन में उसके लिए फिर कुछ महत्व नहीं रखता। उस वक्त उसकी दवा ही उसकी सच्ची मित्र होती है। जिस तरह का दर्द या तकलीफ हो उसकी दवा इंसान के लिए उस वक्त सच्ची मित्र होती है। जब शरीर में तकलीफ हो तो जीवन में रुपया पैसा या कोई रिश्ता इतना खास नहीं लगता। और चौथा मित्र जो कि चाणक्य अनुसार कुछ इस तरह से है, चाणक्य ने इंसान का आखिरी और महत्वपूर्ण मित्र धर्म को बताया है। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति धर्म का रास्ता अपनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है उस व्यक्ति को मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। अपना जीवन जीते हुए अगर आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो मरने के उपरांत भी लोग आपको सम्मान के साथ याद करेंगे। जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलता है और दूसरों के जीवन में कष्ट लाता है उस व्यक्ति को संसार एक बुरे मनुष्य के रूप में याद करता है। ऐसे धर्म को अपना मित्र समझे और इस रास्ते से कभी भी ना हटे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से जो कि आपका कुंभ राशि भविष्य रहने वाला है। वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।